बूढ़ की माँ को बोलते हैं गुड़म्मा। कैसी है माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ पे अच्छे हैं। तो चलिए, आ गया है आम का सीजन, कैरी का सीजन, तो उसमें बनते हैं अचार, मुरब्बा और बनता है गुड़म्मा। तो गुड़म्मा, गुड़म्मा किसको बोलते हैं बताइए? गुड़म्मा मुझे भी नहीं पता, तो वो बताएगी नसरीन आपको। जिस तरीके से नसरीन और इस्माइल को हैशटैग करके इश्रीन बना दिया गया है, कॉम्बिनेशन बन गया इश्रीन, तो वैसे हैशटैग गुड़ की माँ को बोलते हैं गुड़म्मा, नहीं गुड़ और आम को बोलते हैं गुड़म्मा, हैशटैग गुड़म्मा। गुड़ और आम को मिला के बनता है गुड़म्मा, हैशटैग गुड़म्मा। ये हैशटैग को आप भी वायरल कीजिए और जरूर बनाइए। तो चलिए बनाते हैं हम। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ले लिया है आधा किलो कैरी ले लिया है, और ये अचार, मतलब जो कैरी देते हैं ना उन लोगों को, अचार की कैरी काटने जैसा बोल के ले लेना है। फिर इसके ऊपर की जो स्किन होती है वो हमें रिमूव कर लेना है, और जैसे कि अगर स्किन हटा लेंगे तो 400 ग्राम तक हो जाएगी। तो जितना हमने कैरी लिया है ना, उतना ही हमें गुड़ लेना है। तो 400 ग्राम समझे कैरी हो गई हमारी, तो 400 ग्राम गुड़ लेना है। और ये कभी अगर एक किलो कैरी रही तो एक किलो गुड़ रखना है। तो ये क्वांटिटी एकदम परफेक्ट रखना है आपको, तब जाके ये खट्टा मीठा बहुत ही बेस्ट बन के तैयार होगा। और यहाँ पे देखिए, भुनने वाला जो मसाला है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डेढ़ चम्मच जो है, मैंने ये देखिए ये स्पून जो है ना, इससे मैंने ले लिया है सौंफ, बड़ी सौंफ। और फिर यहाँ पे मैंने डेढ़ चम्मच धनिया ले लिया, एक चम्मच जीरा ले लिया, तीन से चार मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया। और ये जो है बगार में जाने वाला मसाला है, तो ये एक स्पून मैंने ले लिया है सौंफ, और आधा स्पून ले लिया है जीरा, और दो मिर्ची ले लिया है, और वही एक स्पून पूरा भर के मैंने लहसुन ले लिया। अगर आपके पास बड़ा लहसुन है तो चार या पाँच ले लीजिए। अभी यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ा लिया है, और जो गुड़ है, गुड़ को हम क्या करेंगे, पहले पानी में डाल के थोड़ा सा इसको पिघला लेंगे, क्योंकि मैं जब भी गुड़ लेती हूँ ना किसी भी चीज़ में डालने के लिए, तो पहले मैं पिघला लेती हूँ। जो इसमें थोड़ी बहुत भी मिट्टी रहती है ना, वो छन जाती है, वो हमारे मुँह में नहीं आती है। अगर आप लोगों को पिघलाना नहीं है और आप लोग एक दिन पहले से इसका प्लान करके चल रहे हो, तो एक रात पहले ही ना गुड़ को पानी में भिगो के रख दीजिए, तो अच्छी तरीके से गल जाएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये सबसे बेस्ट है। तो गुड़ को अच्छे तरीके से क्या करिए, बारीक बारीक कट कर लीजिए, थोड़ा बहुत जो अगर थोड़ा सा अगर अखा रहे तो वो पिघल जाएगा। तो ये मैंने इसमें एक बड़ी गिलास भर के पानी डाल दिया है, इतना मुझे शीरा चाहिए था उस हिसाब से पानी डाला है। अभी इसे मैं एक साइड में रख लूँगी, और यहाँ पे मैं रख लूँगी फ्राई पैन। और फ्राई पैन रखने के बाद में जो इसके अंदर मैंने गरम मसाला लिया था ना, जो आप लोग को बताई थी सौंफ, जीरा और धनिया और मिर्ची, इसे मैं भून लूँगी, ताकि जो भून के ना इसका मसाला हम तैयार करके रखेंगे, तो जो छोटे मोटे जो चीज़ है ना पहले ही हम करके रख लेंगे ना, तो फटाफट हमारा गुड़म्मा बन के तैयार हो जाएगा। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ही फटाफट बन के तैयार हो जाता है। तो पहले जो मम्मी बनाते थे ना, तो मैंने सोचा कि ये जो आम का सीज़न आता है, इसमें जो कैरी आती है उसका मम्मी बहुत सारा बनाते थे घर में, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर की जाए। तो यही सोच रही थी कि पता नहीं ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला होगा, तो मम्मी से मैंने कॉल करके पूछा, तो मम्मी ने कहा कुछ नहीं, इतना ये सब लेना है, ये सब करना है। तो मैंने बोला चलिए झटपट मैं आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूँ, बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो जब आम का सीज़न है तो आप इसे बना के खा सकते हो। तो देखिए, मैंने ये मसालों को अच्छे से भून लिया है खुशबू आने तक, इसे काला नहीं करना है, हल्का सा लाल और खुशबू आने लगे तो इसे बर्तन में हटा देना है हमें। फिर अभी हम यहाँ पे दूसरा पैन रख लेंगे, अच्छी गहरी कढ़ाई नहीं तो गहरा टोप लीजिए, ताकि जिसमें बहुत ही अच्छे से आराम से ये बन सके, हमें इसे चम्मच लगाने में हिलाने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो अभी ये जो जितना भी मैंने कैरी है ना कट करके से पानी में भिगो के रखा था, क्योंकि कैरी को जो है ना कट करके आप पानी में भिगो के रखिए, ताकि इसका कलर ना बहुत जल्दी चेंज होता है। अब मैंने क्या किया है, इसमें इसको ना कढ़ाई में डाल दिया है, और इसमें अच्छा मैं पानी डाल दूँगी। तो ये मैंने एक बड़ी गिलास भर के पानी डाला है, अगर आपके पास में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसमें दो गिलास भर के पानी डाले, कि कैरी ना आधी आधी इसमें डूबनी चाहिए। बस हमें इसमें एक या दो स्टीम लेना है, ज़्यादा नहीं इसे हमें भाप देना है। इसे थोड़ा सा स्टीम आ गया ना हल्का सा, तो हमारी जो कैरी है ना उसका जो ज़्यादा खट्टापन है ना उसका पानी हमें निकाल देना है। और ये देखिए गल भी गया है, और इसे ज़्यादा हमें फिर क्या है ना पकाना नहीं पड़ेगा। तो अभी देखिए इसे मैंने पका लिया है, अभी एक साइड में मैं इसे रख लूँगी, और
देखिए ज़्यादा गलाना भी नहीं है, ताकि हमें इसे शीरे में भी बनाना है जो गुड़ का शीरा बनेगा। और एक साइड में देखिए मैंने क्या किया है, इधर पे स्ट्रेनर रख के इसे छान लिया है। इसका पानी हम अलग रख लेंगे, इसका पानी बहुत काम आएगा। अगर आप कोई शरबत बनाते हो, कोई खट्टी चीज़ बनाओगे ना, दाल बनाओगे कुछ भी, तो दाल में डालने के लिए अगर खट्टी दाल आपको पसंद है तो पानी काम आएगा। तो पानी रख लीजिए, पानी फेंकिए मत, क्योंकि आम की हर चीज़ काम आती है। तो चलिए अभी वही मैंने जो कढ़ाई थी उसे वापस मैंने गैस पे रख लिया है, और इसे अच्छे से इसका जो पानी है उसे ड्राई हो जाने देंगे। उसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर तेल। तो तेल आप कोई भी ले सकते हो, तो जो मेरी मम्मी है वो सरसों के तेल में बनाते थे, बट मैं ये जो रेगुलर तेल है उसमें बना रही हूँ। तो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें तेल डाल दिया है। ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें एक हल्का सा बघार लगाने के लिए हमें तेल डालना है। अच्छा, तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो जो ये हम बघार के लिए लिए ना, सौंफ, ज़ीरा और लाल मिर्ची और लहसुन। अच्छा, आप लोग को जो ये लहसुन का जो टेस्ट हो उसके अंदर आएगा ना, वो इतना अच्छा आने वाला है ना, कि मुझे ना मेरी मम्मी के हाथ का वही मुरब्बा बहुत याद आता था। तो मैंने मम्मी से जब पूछा ना, तो मम्मी ने मुझे बताया ना, इतना अच्छा लगा। और सच बोलूँ ना, मेरा मुरब्बा उसी दिन ही ख़त्म हो गया था, इतना अच्छा लगा। अब थोड़ा सा इसमें हींग भी डालेंगे हम लोग, तो हींग का भी टेस्ट आप लोगों को पता है बहुत ही अच्छा आता है। तो अभी इसे अच्छे से लाल कर लेंगे। अच्छा, कितना लाल करना है, जैसा कि हमारा जो लहसुन है ना वो अच्छे तरीके से लाल हो जाए, उसका कच्चापन हट जाए, और मिर्ची और ये जो अपना इसमें ज़ीरा और सौंफ डाले हैं ना वो भी लाल हो जाए, ताकि जब हम शीरा डालें ना तो एक मतलब लाल कलर का उसमें कलर आया रहे, अच्छा लगे वो। तो हमें इसे अच्छे से भून लेना है। अब जो है हमारा लहसुन बहुत ही अच्छी तरीके से भून गया है, लाल हो गया, देखिए ऐसा कलर आपको रखना है। और ये अच्छे, क्योंकि इसका जो अंदर तक जो कच्चापन है ना वो चला जाता है, ऐसा हल्का सा अगर ऊपर से लाल होगा ना तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से पका नहीं। तो स्लो फ्लेम पे ही हमें इसे भूनना है। अच्छा, जो हमने गुड़ का जो पानी जो निकाल के एक साइड में रखे थे, जो गुड़ को हम पिघला के रखे थे, उसको छन्नी में छान के उसका अच्छे से शीरा बना लेना है। पाक जैसा नहीं कि पूरा बनता है, जैसे शक्कर का हम चाशनी बनाते हैं, वैसा गुड़ की चाशनी हमें बनानी है। और इसे अच्छे से बॉइलिंग देना है, जैसा कि 5 मिनट तक हमें इसे अच्छे से बॉइल करना है, ताकि इसका जो कच्चापन है ना जो गुड़ का वो हट जाए। ऐसे ही कच्चे में ही हमें जो कैरी है वो अपनी नहीं डालनी है। इसे 5 से 7 मिनट तक कम से कम इसे अच्छे से भूनने देना है। इसमें मैंने देखिए काला नमक है वो डाल दिया, आपके पास अगर रेगुलर नमक है वो भी डाल सकते हो, बट काले नमक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और जो ये मसाला जो मैंने पीस के रखा था उसे डाल दिया है मैंने, सच बोल रही हूँ ना, बहुत ही टेस्टी लगा था। आप लोग ज़रूर बना के देखिए, आप देख ही रहे होंगे कि कितना अच्छा बेस्ट बन के तैयार हो रहा है। ये कुछ अलग ही चीज़ है मुरब्बा और गुड़म्मा जो इसे कहते हैं, तो हमारे यूपी में तो ये बहुत ज़्यादा ही बनता है। जैसे ही आम का सीज़न आता है तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें बननी शुरू हो जाती है, अलग अलग खटाइयाँ और बहुत सी चीज़ें जो है इसकी बननी शुरू हो जाती है। अब देखिए जो मैंने इसे बॉईल करके रखा था, अब इसे भी क्या करूँगी मैं, डाल दूँगी हमारे पाक में, डाल दूँगी जो पाक हमारा बन के तैयार हुआ है। और इसे इतना मिक्स करना है और इस तरीके से पकाना है ना कि जो ग्रीन ग्रीन जो कैरी दिख रही है ना वो रेड दिखने लगे, और इसके अंदर पूरा जितना भी रसा है ना वो अंदर तक चले जाए। तो स्लो फ्लेम पे कम से कम 10 मिनट के लिए मैंने इसे ढक्कन लगा के बहुत ही अच्छी तरीके से पकने दिया है। और अब मैंने देखिए ढक्कन हटाया है, ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, खुशबू भी इतनी अच्छी आती है, और पाक भी देखिए गाढ़ा हो चुका है मेरा। और देखिए इसे एकदम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसे इतना रहने देना है, क्योंकि ये जब हम रखेंगे ना तो रखे रखे भी ये अपने आप जो कैरी है ना अपने अंदर ये पाक को लेती रहेगी ना, तो वो ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाएगा। फिर उसको जब हम गाढ़ा कर देंगे ना तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो जो पानी थोड़ा सा रहना चाहिए। तो ये देखिए हमारा बन के हो गया है रेडी मुरब्बा और गुड़म्मा। और इसे आप किसी के भी साथ खा सकते हो, दाल चावल के साथ अगर आपका दिल करे तो वो खा सकते हो, पराठे के साथ में, रोटी के साथ में, और सुबह अगर आपको ऐसा लगे ना कि कुछ नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा है तो इसे निकाल के आप खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। और जब ये बनता है ना हमारे घर में तो ज़्यादा करके हमारे घर में सब्जी वब्जी बनना बंद हो जाती है, और इसी से ही हम रोटी लगा लगा के खाते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है। आप लोगों को मैं जैसा बोल रही हूँ ना, आप लोग प्लीज़ जाके ज़रूर बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और जितना ये पतला दिख रहा है ना तो आप इसके पतलेपन पे मत जाइए, क्योंकि नेक्स्ट डे तक ये अपने आप थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि जो कैरी है ना वो पूरा इसका रस जो है वो अपने अंदर ले लेगी। तो चलिए ये हमारा गुड़म्मा बनके तैयार हो गया है, और अभी ईशी के पास लेके जाते हैं और ईशी को टेस्ट करवाते हैं और देखते हैं कैसा लगा उनको। हाँ, तो हो गया है हमारा गुड़म्मा तैयार हो गया है, अब मैं ईशी के सामने रखी हूँ। देखिए ये फर्स्ट टाइम खा रहे हैं,
इनको कैसा लगता है। तो चलिए इनका रिव्यू ले लेते हैं हम। हाँ तो ईशी देखिए पूरी तैयारी में है और ये लिए उन्होंने कैरी को और डाले हैं मुंह में, कैसा लगेगा देखिए। गरम है गरम है गरम है, आराम से। क्या हुआ, बहुत गरम है। एकदम चटपटी चीज है। क्या चीज है? गुड़म्मा। गुड़म्मा? हाँ बहुत ही मस्त चीज है। मस्त सही बोलो। हाँ आप मुंह तो ऐसा बना रहे हो कि अच्छी नहीं लगी। आप मुंह इसलिए बनाया क्योंकि एकदम चटपटा है ना, खट्टा मीठा, एकदम खट्टा मीठा। वो कैरी ना बहुत खट्टी थी। हाँ एकदम खट्टी मीठी चीज है। तो इसको आप रोटी के साथ में, दाल चावल के साथ में मजे ले लेके खाइए, बहुत मजा आएगा। चीज खाओ उसके साथ ही, एकदम टेस्टी चीज खाओ तो मिक्सअप हो जाएगा। और मैं डायरेक्ट तो इसको खा नहीं सकता क्योंकि बहुत ही खट्टी मीठी चीज है, लेकिन है बहुत बेहतरीन बनी हुई माशाल्लाह, और गर्म भी काफी है तो इसमें थोड़ा सा भी खाने में थोड़ा सा ये होगा मुझे। बाकी मजेदार चीज है, आप लोग भी इसको बनाइए और गर्मी का मजा लीजिए, घर पे बना के खाइए। कैरी की काफी चीजें आप बना सकते हो तो वो आपको नसीन बताएगी, पर मुझे तो मजा आ गया। तो चलिए गुड़म्मा जो है मेरा बनके तैयार हो गया है। जैसे कि मैं आप लोगों से कही थी कि कभी कभी गर्मी में होता है कि हमको भूख नहीं लगती है, दिल नहीं करता है, तो रोटी अगर रहे पराठा रहे तो हम खा सकते हैं, तो दाल चावल बना के हम नॉर्मली उसे भी खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी और बेस्ट लगता है। आप लोग ज़रूर बना के देखिए, फिर मुझे कहोगे कि हाँ तुम सही कह रही थी क्योंकि ये हम खाते थे। तो चलिए रखती हूँ और अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अच्छी अच्छी रेसिपी, अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।